तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आरके मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट है, ये डायरेक्ट कस्टमर का हैंडसेट है जो हमारे पास आया हुआ है। इस पहले किसी में किसी शॉप वाले के पास दिखाया है, तो इनका इसका प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन तो ऑन हो जाता है। एक बार दिखा था इसका प्रॉब्लम आपको, जैसे देख सकते हो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। ऑन होने तक के वेट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। देख सकते हो ऑन होके ऑफ हो गया है फ्रेंड। ठीक है, मैं एक बार आपको इसका और एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हो फिर से फोन ऑन हो चुका है। देख सकते हो फिर से फोन हमारा ऑफ हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, मैं एक बार आपको चार्जिंग पे लगा के दिखा देता हूँ। जैसे फ्रेंड देख सकते हो चार्जिंग पे हमने लगा दिया है। देख सकते हो बैटरी में 82% चार्जिंग है, लेकिन फिर भी ये फोन ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार मैं अभी चार्जिंग में एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो चार्जिंग पे मैंने लगा दिया और फोन को ऑन कर दिया है। अब देखना फ्रेंड, कम्प्लीटली फोन हमारा पूरा ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत। देख सकते हो सेकंड बूट पे आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मोबाइल रिलेटेड नए नए फॉल्ट कुछ ऐसा आता है तो मैं चैनल पे अपलोड करने की पूरा कोशिश करता हूँ। देख सकते हो फोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। फोन हमारा बिल्कुल वर्क, चार्जिंग में हमारा फोन बिल्कुल एकदम सही से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं चार्जिंग से इसे निकाल दिया, अभी कुछ ही सेकंड में बंद हो जाएगा। देख सकते हो फोन हमारा बंद हो चुका है। अब देखो पावर की मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रहा। देख सकते हो फिर से ये फोन में काम हुआ, मैंने चेक किया, खोल के चेक कर लिया था। इसमें पहले किसी शॉप वाले को दिखाया था लेकिन उन्होंने सक्सेस करके नहीं दिया है। उन्होंने सीधा डायरेक्टली क्या किया, अपने चार्जिंग सेक्शन में काम किया उन्होंने। जैसे इस ए वाले सेक्शन पे उन्होंने डायरेक्टली काम किया है, अभी क्या किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। शील्ड निकाला है और क्या किया तो मुझे नहीं पता। इसका प्रॉब्लम है बोर्ड से नहीं आता है फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बैटरी का जो एक बड़ा वाला रेसिस्टर होता है, उसको अगर हमने एक जम्पर मार के शॉर्ट कर दिया तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप बैटरी रिप्लेस कर दोगे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड एक रेसिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट करेंगे जम्पर के थ्रू, शॉर्ट करके फिर आपको हम चेक करके दिखा देंगे। ऐसा फॉल्ट अगर आपके पास आता है तो आप डायरेक्टली ऐसा कुछ काम ना करें, आप एक तो बैटरी को रिप्लेस कर दें या तो फिर ये जो रेजिस्टर है इसको एक जम्पर से शॉर्ट कर दें। आप रेजिस्टर निकाल के भी शॉर्ट कर सकते हो या इसके ऊपर से एक जम्पर भी कर दे सकते हो, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है।
ये जो वाला ट्रिक, ये जो ट्रिक है, ये सिर्फ यही वाले फ़ोन पे नहीं, ये वीवो के, ओप्पो के, रेडमी के काफ़ी सारे हैंडसेटों में ये वाला जो ट्रिक है ये वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे जैसे कभी कभी रिस्टार्ट का भी होता है, चालू होके बंद सेकंड लोगों पे जैसे ही बूट करने की कोशिश करता है तब भी ये बंद हो जाता है, उस टाइम में एक बार आपको ये वाला जो काम है ये एक बार करके देख लेना है। ठीक है, देख सकते हो जम्पर मैंने कर दिया है, इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ। इसको पैक करके फोल्ड कर देता हूँ। अभी एक बार इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुली हुआ है या तो फिर नहीं। देख सकते हो फ्रेंड शॉर्ट करने पर फ़ोन ऑन हो चुका है। अब देखते हैं बंद हो जाता है कि हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हो सेकंड बूट पे चला गया लेकिन फ़ोन हमारा बंद नहीं हुआ, चालू है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हो 81% ही चार्जिंग है फ़ोन पे, पूरा फुल्ली ये वर्क कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा आपको वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरे से कोई CPU वगैरह का कोई डेड फ़ोन वगैरह रिकवर अगर कराना है, हैंडसेट बनाना है, तो मेरे को इस स्क्रीन के ऊपर जो दिए गए नंबर है उस पर व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।